हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिटजी बिग बैंग एड्स टेस्ट 2023। तो दोस्तों, जो ये एग्जामिनेशन है वो फिटजी कंडक्ट कराता है एंड आप लोग दोस्तों इस एग्जाम को देकर फिटजी में एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बिग बैंग एड्स टेस्ट, जिसको हम लोग BBET बोलते हैं, 2023, दोस्तों आज हम लोग इसका फुल डिटेल एंड एनालिसिस करने वाले हैं। एंड दोस्तों, जो ये टेस्ट है वो हमारा होने जा रहा है 22nd एंड 29th अक्टूबर 2023 को। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसका फुल डिटेल एंड एनालिसिस करेंगे, यानी कि इसका स्कॉलरशिप, इसका सिलेबस, रजिस्ट्रेशन डेट, लास्ट डेट टू रजिस्टर, सारा डिटेल्स यहाँ पर हम लोग जानेंगे एंड क्या आप लोग का कैसे प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स का। तो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स में बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है आप लोग का टेस्ट डेट। टेस्ट डेट जो दोस्तों है, टोटल 2 दिन आप लोग का ये टेस्ट है एंड आप लोग किसी भी दिन एक डेट चूज करके आप लोग टेस्ट दे सकते हो। एंड जो टेस्ट है दोस्तों आप लोग का 22nd अक्टूबर 2023 को एंड 29th अक्टूबर 2023 को होगा। एंड दोनों दिन दोस्तों संडे है, तो आप लोग का जो स्कूल का प्रॉब्लम होता है वो नहीं रहेगा एंड डायरेक्ट आप लोग जाकर इस एग्जाम को दे सकते हो। एंड अब बात आता है दोस्तों एलिजिबिलिटी का। तो इसका बात करें तो वैसे स्टूडेंट जो कि अभी क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। एंड बहुत बच्चों को यहाँ पर क्लास रिगार्डिंग प्रॉब्लम होता है, तो मैं यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिख दिया हूँ, गोइंग टू क्लास, जो अभी क्लास 5 में प्रेजेंटली होंगे जाएंगे दोस्तों आप लोग क्लास 6 में इन 2023। वैसे ही दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 10 में हो तो आप लोग क्लास 11 में चले जाओगे इन 2023 मार्च अप्रैल से, एंड ऐसे सो ऑन। तो अब यहाँ पर क्लास रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एंड अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट टू रजिस्टर का बात करें दोस्तों, तो जस्ट 2 दिन अपने टेस्ट डेट से पहले, तो जैसे कि आप लोग का 22nd अक्टूबर 2023 को टेस्ट है, तो आप लोग का जो लास्ट डेट टू रजिस्टर होगा वो 20th अक्टूबर 2023 एंड 29 अक्टूबर को टेस्ट है, तो दोस्तों 27th अक्टूबर लास्ट डेट हो गया फॉर रजिस्ट्रेशन। एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी का बात करें दोस्तों, तो अगर आप लोग क्लास 5, 6 एंड 7 में प्रेजेंट हो, अभी क्लास प्रेजेंट हो दोस्तों फिलहाल, तो ₹750 लगेगा। एंड अगर आप लोग क्लास 8, 9, 10 एंड 11 में हो तो आप लोग का ₹1500 लगेगा। एंड अब यहाँ पर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, जो आप लोग का टेस्ट होगा ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में होगा दोस्तों। इस बार दोस्तों 2023 में आप लोग को ऑनलाइन बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि जो टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मोड में होगा। आप लोग का टेस्ट सेंटर अलॉट होगा एंड वहीं पर जाकर आप लोग अपना ये टेस्ट दीजिएगा ऑफलाइन। एंड ऑफलाइन में दोस्तों आप लोग को यहाँ पर OMR फिलअप करना होता है, सारा क्वेश्चन MCQ टाइप होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का। तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में बात करें तो रजिस्ट्रेशन फी दोस्तों, जैसे कि मैं पहले ही बता दिया, फॉर क्लास 5, 6 एंड 7 750 एंड फॉर क्लास 8, 9, 10 एंड 11 1500। तो लास्ट डेट टू रजिस्टर दोस्तों ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, जस्ट अपने टेस्ट डेट से 2 दिन पहले। एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं हाउ टू रजिस्टर। हाउ टू रजिस्टर का बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मोड अवेलेबल है, तो आप लोग को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो दोस्तों ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुका हूँ, वहाँ से डायरेक्ट आप लोग जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लिंक है दोस्तों www.bigbangedge.com। एंड अगर आप मोबाइल थ्रू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो दोस्तों एक और लिंक आप लोग के लिए www.bigbangedge.com/mobile। एंड अगर आप लोग दोस्तों पेपर रजिस्ट्रेशन मोड चूज करना चाहते हो, यानी कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोग को अपना नियरेस्ट फिटजी सेंटर पर विजिट करना होगा। वहां से आप लोग को फॉर्म मिलेगा एंड फिर दोस्तों आप लोग का जो फॉर्म मिलेगा उसको फिलअप करके सबमिट करना होता है। तो आप लोग दोस्तों अपने नियरेस्ट फिटजी सेंटर पर 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना होगा एंड आपका एक कोई यूनिक आईडी, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या DOB, जो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है, वो भी आप लोग ले जा सकते हो।
एंड ये भी नहीं है तो आप लोग अपना स्कूल का जो आईडी कार्ड होता है उसका भी फोटोकॉपी ले जा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का पेपर रजिस्ट्रेशन मोड यानी कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मोड कंप्लीट हो गया। एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम शेड्यूल एंड पैटर्न का। तो एग्जाम शेड्यूल एंड पैटर्न का बात करें फॉर क्लास 5, 6 एंड 7, एंड यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। जो अभी क्लास 5 में होंगे बहुत जल्द जाएंगे क्लास 6 में इन 2024। अगर आप लोग क्लास 6 में अभी प्रेजेंट हो तो क्लास 7 में जाइएगा आप लोग 2024 में, तो एंड क्लास 7 में प्रेजेंट हो तो क्लास 8 में जाइएगा। तो आप लोग का दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर होगा, 3 आवर का पेपर होगा, एंड इसमें आप लोग से रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। अगर टाइमिंग का बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सुबह के 9 बजे से शाम के 12 बजे तक, यहाँ पर शाम नहीं दोस्तों मतलब आफ्टरनून, दोपहर का 12 बजे तक यहाँ पर आप लोग का एग्जाम होगा, 3 आवर्स का पेपर। एंड यहाँ पर बात करें फॉर क्लास 8 एंड 9, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का टोटल 2 पेपर होगा, दोनों पेपर 3 3 आवर्स का। पेपर 1 का बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, और सेकेंड पेपर का बात करें तो यहाँ पर सिर्फ रीजनिंग नहीं रहेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। फर्स्ट पेपर का जो दोस्तों टाइमिंग है सुबह के 9 से दोपहर का 12 बजे, एंड अगर बात करें आप लोग का पेपर 2 तो दोपहर के 2 बजे से लेकर दोस्तों शाम के 5 बजे तक आप लोग का ये पेपर चलेगा। एंड यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ गोइंग टू क्लास 9 एंड 10 इन 2024। और अगर आप लोग दोस्तों क्लास 10 एंड 11 से बिलोंग करते हो, जो कि बहुत जल्द जाएंगे आप लोग क्लास 11 एंड 12 में, तो आप लोग का भी टोटल 2 पेपर होगा, दोनों पेपर दोस्तों 3 3 आवर्स का। जो पेपर 1 होगा वो उसमें आप लोग को रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। अगर सेकंड पेपर का बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा, बाकी सारे जो आप लोग के सब्जेक्ट्स है पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। यहाँ पर दोस्तों बायोलॉजी का कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फिट जी है वो इंजीनियरिंग वालों के लिए बैच प्रोवाइड करता है, नॉन मेडिकल वाला है दोस्तों फिट जी। तो आई होप यहाँ पर आप लोग का एग्जाम शेड्यूल एंड पैटर्न क्लियर होगा, और आप लोग यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं। पेपर 1 का जो टाइमिंग है दोस्तों 9 AM से 12 PM, एंड पेपर 2 का टाइमिंग का बात करें तो 2 PM से लेकर 5 PM तक आप लोग का एग्जाम चलेगा। और दोस्तों दोनों पेपर आप लोग को देना मस्ट होगा, अगर आप लोग कोई भी एक पेपर दीजिएगा तो आप लोग का जो टेस्ट है वो अधूरा ही रह जाएगा, एंड इसलिए आप लोग का रिजल्ट हो सकता है कि नहीं है। एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम शेड्यूल एंड पैटर्न में कुछ और भी बातें का। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते थे कि सुबह के 9 बजे से आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होता था, लेकिन आप लोग को 8:45 यानी कि पौने 9 बजे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर OMR सीट दे दिया जाएगा, ताकि आप लोग फिलअप कर सको, यानी कि 15 मिनट एक्स्ट्रा फॉर फिलअप OMR। एंड आप लोग का दोस्तों 8:30 से यहाँ पर एंट्री होगा। जो भी दोस्तों इंस्ट्रक्शन है वो आप लोग के एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ रहेगा। एंड और एक और बात, जो आप लोग का OMR मिलेगा दोस्तों, अगर उसका प्रैक्टिस करना चाहते हो तो www.fitg.com/fillomr.pdf इस लिंक पर आप लोग जा सकते हो। यहाँ से सेम टू सेम जो आप लोग को एग्जामिनेशन में OMR दिया जाएगा वही OMR यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या फिलअप करना होता है। तो यहाँ पर एग्जाम शेड्यूल एंड पैटर्न का बात खत्म होता है। अब बात आता है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस। सिलेबस बात करें फॉर क्लास 5, वैसे बच्चे जो कि बहुत जल्द जाएंगे क्लास 6 इन 2024 में, तो जनरल साइंस यानी कि दोस्तों इसमें टोटल 6 सिलेबस दोस्तों, यहाँ पर टोटल 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स से टोटल 3 चैप्टर्स, केमिस्ट्री से टोटल 3 चैप्टर्स, बायो से टोटल 3 चैप्टर्स, एंड यहाँ पर मैथमेटिक्स से बात करें तो यहाँ पर टोटल 6 चैप्टर्स पूछा जाएगा। एंड यहाँ पर क्लास 6 का बात करें, वैसे स्टूडेंट जो कि बहुत जल्द जाएंगे क्लास 7 इन 2024, तो फिजिक्स से आप लोग का टोटल 2 चैप्टर्स, केमिस्ट्री से टोटल 4 चैप्टर्स, बायो से टोटल 3 चैप्टर्स, मैथमेटिक्स से टोटल 6 चैप्टर्स पूछा जाएगा। एंड बात करें आप वैसे स्टूडेंट जो कि अभी क्लास 7 में होंगे एंड बहुत जल्द जाएंगे आप लोग क्लास 8 में इन 2024, तो फिजिक्स से टोटल 3 चैप्टर्स, केमिस्ट्री से टोटल 3 चैप्टर्स, बायोलॉजी से टोटल 3 चैप्टर्स एंड मैथमेटिक्स से टोटल 6 चैप्टर्स। अब दोस्तों बात कर लेते हैं
क्लास 8 वालों के लिए, एंड आप लोग जाइएगा बहुत जल्द क्लास 9th in 2024 में, तो आप लोग के लिए स्क्रीन पर आप लोग का दोस्तों सिलेबस, फिजिक्स से टोटल 3 चैप्टर्स, केमिस्ट्री से सिर्फ 2 चैप्टर्स, बायो से 3 चैप्टर्स, एंड मैथमेटिक्स का बात करें तो यहाँ भी टोटल 6 चैप्टर्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 9 वैसे बच्चे जो कि बहुत जल्द जाएंगे क्लास 10th में, तो फिजिक्स से टोटल 3 चैप्टर्स, केमिस्ट्री से टोटल 2 चैप्टर्स, बायोलॉजी से टोटल 3, एंड मैथमेटिक्स यहाँ भी टोटल 6 चैप्टर्स। क्लास 10th वालों के लिए बात करें दोस्तों तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स से टोटल 3 चैप्टर्स, केमिस्ट्री से टोटल 3 चैप्टर्स, एंड मैथमेटिक्स से टोटल 6 चैप्टर्स पूछा जाएगा आप लोग के एग्जामिनेशन में। और दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियरिफाई कर दूँ कि जो सारा चैप्टर्स है वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, यानी कि जो जितना कंटेंट एनसीईआरटी में उतना ही आएगा। हालांकि दोस्तों ये फिट जी है तो आप लोग का हायर लेवल, यानी कि जो जैसे कि आप लोग क्लास 10th में हो तो क्लास 12th, क्लास 11th से नहीं, क्लास 12th से दोस्तों आप लोग का कोई कोई क्वेश्चन मैच होगा। एंड अगर आप लोग क्लास 9 में हो तो क्लास 11th से कोई कोई क्वेश्चन मैच होगा, तो आप लोग को उस पर भी दोस्तों ध्यान देना होगा। एंड अब बात कर लेते हैं हम लोग क्लास 11th वालों के लिए, तो क्लास 11th का बात करें तो यहाँ पर बहुत जल्द जाइएगा आप लोग क्लास 12th में, फिजिक्स से टोटल 6 चैप्टर्स, केमिस्ट्री से टोटल 5 चैप्टर्स, एंड मैथमेटिक्स से टोटल 6 चैप्टर्स। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बायोलॉजी का कोई स्कोप नहीं है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो फिट जी है वो नॉन मेडिकल वाला है, यानी कि मेडिकल बैच प्रोवाइड नहीं कराता है। एंड अब यहाँ पर जितने भी सिलेबस थे ऑल क्लासेज का कंप्लीट हो चुके हैं, तो यार अब बात आता है हमारा रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट का। तो रिजल्ट का बात करें तो अगर आप लोग क्लास 8 एंड 10 में पढ़ते हो तो आप लोग का जो दोस्तों रिजल्ट है वो सबसे पहले आएगा, यानी कि 7th नवंबर 2023 को। इस दिन दोस्तों मंगलवार है, ट्यूसडे। एंड अगर बात करें वैसे स्टूडेंट जो कि अभी करेंटली दोस्तों प्रेजेंट होंगे क्लास 11 एंड 9 में, तो आप लोग का जो दोस्तों रिजल्ट है वो 8th नवंबर 2023 को आएगा, वेडनेसडे। अब हम लोग यहाँ पर अगर बात करें वैसे स्टूडेंट जो कि अभी फिलहाल क्लास 5 6 एंड 7 में प्रेजेंट होंगे, तो आप लोग का दोस्तों जो रिजल्ट है वो 9th नवंबर 2023 को आएगा, थर्सडे। एंड एक जो दोस्तों आप लोग का रिजल्ट है वो www.bigbangish.com पर आएगा, तो ये भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, सो डेट आप लोग डायरेक्ट जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। और एक बात दोस्तों, जो आप लोग का स्कोर कार्ड होगा यानी कि रिजल्ट का जो रिपोर्ट कार्ड होता है उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग को अपने नियरेस्ट फिटजी सेंटर पर विजिट करना होगा। और हालांकि दोस्तों ये बहुत कम लोग करते हैं, ऑनलाइन ही जो पीडीएफ मिलता है उसी से काम चल जाता है। एंड जो आप लोग का रिजल्ट होगा दोस्तों शाम के 4 बजे के बाद ही रिलीज होगा, तो ये हो गया लिंक, एंड शाम के 4 बजे के बाद आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों रिस्पेक्टिव डेट्स मैं बता चुका हूँ। एंड यार अब बात आता है कुछ जनरल डाउट्स का, तो दोस्तों टोटल 2 डाउट ऐसा है जो कि बहुत सारे बच्चे को होता है, एंड उसमें से सबसे पहला डाउट यही है कि जो टेस्ट पेपर है दोनों देना होगा क्या? तो यार हाँ भाई, जो टेस्ट पेपर है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आप लोग को देना मस्ट है, तभी आप लोग का जो रिजल्ट है आएगा। वरना अगर आप लोग कोई भी एक पेपर देते हो एंड एक पेपर छोड़ देते हो तो आप लोग का रिजल्ट नहीं आएगा। और बात करें स्कॉलरशिप कैश मिलेगा क्या, तो यार यहाँ पर स्कॉलरशिप कैश वाला नहीं है, यहाँ पर जो स्कॉलरशिप आप लोग को मिलेगा वो फी वेवियर के रूप में मिलेगा। जैसे कि अगर स्कॉलरशिप मिला आप लोग को 90%, तो आप लोग अगर जाइएगा एडमिशन लेने फिट जी में, तो आप लोग का यहाँ पर ट्यूशन फी पर टोटल 19% डिस्काउंट मिलेगा, 90% डिस्काउंट मिलेगा, और 10% ही सिर्फ आप लोग का वहाँ पर लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ट्यूशन फी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर फी पर नहीं, मतलब कि आप लोग का पैसा लिया जाएगा। एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 टोटल बेस टोटल जो स्कोर होता है आप लोग का पेपर 1 पेपर 2 कंबाइन, उस पर ही आप लोग को ये स्कॉलरशिप मिलता है। और मिनिमम जो कट ऑफ होता है दोस्तों उसको क्लियर करना होता है दोनों पेपर में। तो आई होप दोस्तों कि जो ये सेकंड क्वेश्चन है, डाउट है आप लोग का, वो क्लियर हो चुका होगा। तो मतलब यार 100% में मिलेगा फिर भी तो आप लोग से पैसा लिया ही जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अगर भी आप लोग का कोई डाउट है तो जल्दी कमेंट कर सकते हो, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग का
जो कमेंट है उसका रिप्लाई जरूर है कि 100% इधर से दूंगा। एंड यार जो आप लोग का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इस एग्जामिनेशन का सैम्पल पेपर आएगा, क्लास 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, और क्लास 11th का भी सैम्पल पेपर मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। बहुत सारे बच्चे से ओपन नहीं होता है सैम्पल पेपर, हालांकि मैं यहाँ पर आप लोग को वीडियो के फॉर्मेट में दे दूंगा। एंड फाइनली यार इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। एंड अगर आप लोग इस एग्जाम को देते हो तो हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि मैं बताया जो नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों सैम्पल पेपर पर होगा, तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।